मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर में 1450 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, न चाहते हुए भी ईडी इनकम टैक्स के लिए लोगों के घरों में घुसना पड़ रहा है, तंग करते हैं। राजस्थान में भी ईडी का प्रयोग करके देख लिया लेकिन सारे फेल हो गए। गहलोत ने कहा कि अखबारों में ईडी की बातें चल रही थी, कहीं चांदी मिल गई, कहीं सोना मिल गया, कहीं पैसा मिल गया, इसका कौन धनी धोरी है, इसका पता किया क्या? सरकार का मंत्री या अफसर पकड़ा गया क्या? इनको दलाल खोजने पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कहां जा रहा है, हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। गहलोत ने कहा कि हमने उस समय मेट्रो ट्रेन चलाई जब देश के केवल चुनिंदा बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी। हमने मेट्रो का काम साल 2009 में शुरू किया और रिकॉर्ड टाइम 2013 में उसका ट्रायल शुरू कर दिया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जयपुर में मेट्रो संभव है। इसके बाद मैंने शांति धारीवाल से बात करके इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था। सीएम ने कहा कि मैंने कोरोना काल में जो देखा उससे सीखा कि राज्य को बहुत आगे सोचना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर मैंने विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने और उसके अनुरूप राज्य को विकसित करने का प्लान तैयार करने के लिए कहा है। जोधपुर में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा में आम जनता से भाजपा को जिताने का संकल्प करवाने वाली पार्टी भाजपा के नुमाइंदे मुख्यमंत्री गहलोत की कांग्रेस को जिताने का आह्वान कर रही हैं। ऐसा ही नजारा बुधवार को जोधपुर पहुंचे असम राज्य से भाजपा के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा की जुबान से सुनने को मिला। दरअसल लूणी विधानसभा के पालगांव में मुख्यमंत्री हिमता के साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक सभा को संबोधित करना था। मुख्यमंत्री हिमता जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस की असफलताओं को गिनाते हुए कहा कि जनता से कि आप लोग राजस्थान में कांग्रेस को लाइए, मोदी जी का चुनाव है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमता से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की फिसलती जुबान भी राजस्थान में कांग्रेस को जिताने की अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर लगे सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे। मुख्यमंत्री शर्मा जब पालगांव स्थित सभास्थल पहुंचे तो वहां खड़ी जनता ने सतीश पूनिया की अनुपस्थिति में सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे लगाकर एक संदेश दिया और एकजुटता की बात करने वाली भाजपा अभी भी बिखरी हुई है। भरतपुर के जिले के रुदावल तहसील के डुमरिया में टोडा बारे सिद्ध बाबा के मंदिर पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जहां कई हजार दर्शक मेले में व दंगल में मौजूद रहे। वहीं कमेटी की तरफ से कुश्ती दंगल की माकूल व्यवस्था की, इस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। विशाल कुश्ती दंगल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित आधा दर्जन प्रांतों से पहलवान मेले में भाग लेने पहुंचे। इस उपलक्ष्य में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखो, हमारे बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में हर वर्ष बहुत ही उत्साह के साथ इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें दूर दराज से पहलवान आते हैं, बहुत सारे दर्शक आसपास के गांव से लेके और दूर दूर से लोग आते हैं। ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए एक तरह से त्यौहार का दिन है। ये मेले में लोग पहलवान कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, बहुत प्यार से कुश्तियाँ हो रही हैं, जो जीत रहा है उसको इनाम दी जा रही है। और इस तरह के खेलों का आयोजन होते रहने चाहिए, इससे आपस में प्यार और भाईचारा भी बढ़ता है और हमारे देश में जो प्रतिभा आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिभाशाली जो हमारे पहलवान हैं, उनको यहाँ से कुश्ती लड़ के जाते हैं, आगे जाके उनको और अच्छी जगह मौका मिलता है, यहाँ से वो नाम कमा रहे हैं। तो इस मेले में मैं सभी आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मेले में, और यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना बड़ा विशाल मेला, एक ऐतिहासिक मेला, मेले का आयोजन करते हैं। और मैं साथ ही पहलवानों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रवि किराट, बयाना रूपबास। केलवाड़ा से खबर, जहाँ नवगठित नगर पालिका केलवाड़ा के पहले अध्यक्ष बनने का गौरव विनोद चंदेल को मिला। नवचयनित पालिका अध्यक्ष विनोद चंदेल ने विधिवत रूप से एसडीएम अरुण कुमार जैन ने नवगठित नगर पालिका के पहले अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। किशनगंज विधानसभा, जो कि आदिवासी विधानसभा मानी जाती है,
उसमें पहली नगर पालिका बनी है और पहली नगर पालिका का सौभाग्य खेरवाड़ा को प्राप्त हुआ है, इसी का आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें हम लोग पधारे थे। मैं बधाई दूंगा सभापति और उपसभापति दोनों को कि वो इस कार्यभार को ग्रहण करके अच्छे से इस नगर पालिका का संचालन करेंगे, ताकि जो एक धार्मिक स्थली है जहाँ सेरियाओं का लघु कुंभ के नाम से जो जाना जाता है, सीताबाड़ी मेला उभरता है, तो इस नगर पालिका को एक नया विस्तार मिलेगा और विस्तृत रूप से इसका नवनिर्माण होगा और नए तरीके से इसका विकास होगा। आज आपको नवगठित नगर पालिका के अध्यक्ष रूप में चयनित किया गया है, शपथ दिलाई गई है, तो आपके क्या विकास के आप किस दिशा में काम करोगे? पहले तो मैं हमारे जिले के मंत्री श्री प्रमोद जैन जी भाया के विकास कार्यों को देख करके मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने यहाँ सीताबाड़ी में करोड़ों रुपए से काम कराए, जो भी मैंने मांगा आज तक वो उन्होंने दिया है और उनके बताए रास्तों के अनुसार आज जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके नए संचालन करते हुए जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी वो विकास कार्य मैं जरूर कराऊंगा। जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा उसको निराशा नहीं होने दूंगा। आपके मुख्य रूप से किन विकास कार्यों को ध्यान आपका रहेगा? मेरा फोकस ज्यादातर यहाँ पर हमारे नालियों और सड़कों की कमियां हैं। बस्ती बहुत बड़ी है और 3-4 पंचायत मिलाकर के अब तो बहुत बड़ा एरिया हो गया हमारा, तो इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा सड़क और पानी के ऊपर। राजस्थान के सांचौर में बोकड़ियावास में दो बच्चों के साथ मां ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शवों को मोर्चरी में रखवाया। 2 और 5 वर्षीय बच्चों सहित घर पर अकेली थी महिला। पुलिस उप अधीक्षक मांगीलाल व सांचौर थाना अधिकारी निरंजन प्रताप सिंह मौके पर उपस्थित रहे। फुलेरा से खबर, जहां रेलवे स्टेशन के पास जोधपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फुलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फुलेरा के उपजिला अस्पताल में स्थित अस्थायी मोर्चरी में रखवाया। जानकारी अनुसार फुलेरा जोधपुर रेलवे लाइन पर सिंगल के पास अचानक एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेन के गार्ड व ड्राइवर ने ट्रेन रोककर शव को रेलवे लाइन से हटाया। सना जी, जोधपुर फुलेरा लाइन पे जो आदमी कटा उसके बारे में जानकारी दें। अभी फुलेरा रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि जोधपुर से फुलेरा रेलवे लाइन होम सिग्नल के पास एक व्यक्ति की रेल से कटने से मृत्यु हो गई है। इस पर यह सूचना पर इस मौके पर पहुंचे हैं और डेड बॉडी को कब्जे लेकर के अब हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई परिजनों के आने के पश्चात संभव हो पाएगी। सर, डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई? हाँ, डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है। बांसुर इलाके के रहने वाले हैं, क्योंकि इनके पास जो सामान मिला है उसमें आईडी मिल गई थी इनकी, और परिजनों से वार्ता भी हो गई है, परिजन आ रहे हैं। ठीक है सर। दौसा से खबर, जहां हिंदी दिवस के अवसर पर देवगिरी साहित्य व शोध संस्थान द्वारा दौसा द्वारा 14 सितंबर से 21 सितंबर तक विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं, सहयोगी संस्था प्रधान व महिलाओं द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता की गई, जिसमें समय समय पर सभी का सहयोग व सराहना भी मिली। आयोजन में 5 संस्थानों का सम्मान सहयोग हुआ। सम्मान का आयोजन सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दौसा में प्राचार्य डॉक्टर निकिता त्रिवेदी के सानिध्य में संपन्न हुआ।